अरे सृष्टि, ऐसे अंधेरे में कहाँ बैठी हो तुम? सृष्टि कहाँ हुआ? सृष्टि तुम रो कहाँ ही रही हो? ईश्वर जी ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम भी तो यही चाहती थी। हाँ लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छूट रहा है। हमारे ससुराल में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हमारी शादी जितनी बेमेल रही हो, लेकिन यीशु जी ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हम उनसे अपना रिश्ता नहीं भूल सकते। चाहते हैं कि ये डिवोर्स उनके लिए अच्छा साबित हो, और जब वो अपनी जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा करें, हम जहां पर भी होंगे उनके लिए बहुत खुश होंगे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। राजमान रहेंगे कहाँ? देवर जी, अनुराग तो अपने काम से चला गया, लेकिन इनका कोनो लक्षण नजर नहीं आ रहा घर से बाहर जाने का। ये तो यहाँ अखबार में सोने का भाव पड़ रहे हैं। अरे भौजी, हम लक्षण वच्छन नहीं समझते। अरे आप कुछ कीजिए, इनको भेजिए भाई। अगर यहाँ रह गए ना तो लड़की वालों के सामने एक बवाल खड़ा कर देंगे। हम का करें देवर जी, हम का जबरदस्ती इनको घर से बाहर निकाले? हे भगवान, हम इतना ही मनाते हैं, बस कैसे भी करके ना इनको घर से बाहर भेज दो। चाहे तो पंचायती का कोनो संदेशा भेज दो, कुछ हो करो। अरे हाँ सृष्टि बाबू, ठीक है बाबू, हम आते हैं तुमसे मिलने कोर्ट में। अब श्रीमती जी। जी जी। प्रणाम भैया। खुश रहो श्रीमती जी। जी वो एक पुराना मुकदमा के चक्कर में हम जरा सृष्टि बाबू से मिलने कोर्ट जा रहे हैं, तो आने में शाम हो जाएगी। जी जाइए। देखा देवर जी, अब भगवान ने हमारी सुन ली है। सृष्टि ने खुद ही इनको फोन कर बुला लिया है। अब तो कैसे भी करके ना बिसु को बहाना बनाकर इस सगाई के लिए मनाना है। नारद बोलो। दीदी जी, हम ना अपना पूरा दिमाग लगा के ना एकदम करेक्ट रिपोर्ट निकाली है, और लेकिन ससुराल रिपोर्ट ऐसा आया है ना कि हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है बताओ जल्दी। अरे दीदी जी, शेखर और मुखियाई ना मिला हुआ है दोनों। मुखियाई का जमानत ना शेखर ही कराया, और मुखियाई ही है जो चौहान साहब की बेटी का रिश्ता आपके घर भेजी थी। सुनने में तो यो आया है दीदी जी कि चौहान की बिटिया जो है ना वो एकदम में मतलब हाफ क्रैक है। का? हाँ, अरे जब वो पगला जाती है ना तो मतलब सब कुछ तोड़ फाड़ देती है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और मुखिया इनका चाहती है कि बिशु बाबू से इस पगलेट का रिश्ता जोड़ के ना वो आपकी सासू मैया से बदला लेगी। दीदी जी, शेखर का चाहता है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम तुमको ना बाद में फोन करते हैं। हाँ जी ठीक। शेखर सिर्फ देवर जी को कानून की देवी का तलाक ही नहीं कराना चाहता, बल्कि हमारे देवर जी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है वो। इस शादी को ना हमें कहीं से भी करके रोकना होगा। देवर जी पता कीजिए ना, वो लोग कहाँ पहुंचे हैं। आपसे बहुत जरूरी बात करना है। देवर जी का शादी ना हो चौहान की लड़की से। देखो
हम पहले भी कह चुके हैं कि तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। अब तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हैं सासू मैया, आपके साथ धोखा हो रहा है। वो चौहान की लड़की है ना, उसमें कुछ कमी है। और वो देखो बहू रानी, हमने जो भी किया ना, हमने सोच समझ कर किया है। देखो हम जानते हैं कि वो लड़की बहुत ही सीधी सादी, और हमको विश्व के लिए ऐसी ही सीधी सादी लड़की चाहिए थी। बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है हम ला कर देख चुके। चलिए दीपर जी, सामान देख लेते हैं। सासू मैया तो हमारा बात ही सुनने को तैयार नहीं है। मिस्टर जी तो हमारी बात का विश्वास करेंगे ही नहीं। अब इस साथी को ना एक ही इंसान टूटने से बचा सकता है, और रू है वो कानून की देवी। जी हम आपके पेपर्स चेक कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। गलत समय पर किससे बात कर रही है कानून की देवी। फोन उठाओ। ये रागिनी फिर से वेशु जी से मिलवाने की बात करेगी। अब हम उनसे मिलकर उनकी और हमारी तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहते। फोन काट दिया। हाँ हमारा फोन उठाएगी भी क्यों, कौन सी हमारी फ्रेंड थी। अरे शादी हो गई तो देवर जी की जिंदगी खराब हो जाएगी। सासू मैया को अंदाजा भी नहीं है ये कौन सा मुसीबत मोल लेने जा रही है। लेकिन कोई देवर जी का साथ देना दे, हम ऐसा ना कभी नहीं होने देंगे। अब बिसो का हो अम्मा, ये सब का है। आओ हम बताते हैं, आओ और बैठो यहाँ है। ससुर जी, दिव्या ससुर जी कहाँ है? भाभी पापा तो कोर्ट गए, क्या हुआ? अरे हमें बहुत जरूरी बात करना है उनसे, हम फोन करते हैं। क्योंकि भाभी वो इस वक्त शायद गाड़ी चला रहे होंगे तो आपका फोन नहीं उठाएंगे। क्या मुसीबत है, आज सभी बिजी हैं। हम जाके ना देवर जी से बात करते हैं। विशु आज है ना, हम एक बहुत ही बड़े बाबा जी के पास गए थे, तो बाबा जी ने ना एक उपाय बताया है जिसके कारण सृष्टि जो है वो वापस आ सकती है। बाबा जी कह रहे थे कि तुम्हारा कुंडली में जो है ना वो मंगल दोष है। मंगल दोष जानते हो ना, वो नहीं वो चौबे जी की लड़की थी, पहले उसका ब्याह पेड़ के साथ करवाया। हाँ, मंदिर के पास वाली सुनीता दीदी की शादी तो घुघरू से हुई थी। वो बाबा जी कह रहे थे कि तुम्हारा कुंडली में भी जो है वो मंगल दोष है, एक उपाय बताए हैं, उपाय करने से ना तुम्हारा जो शादी का समस्या वो एकदम ही खत्म हो जाएगा। ये उपाय करने से हमारी सृष्टि जी वापस आ जाएंगी। अरे हाँ बिशु बाबू, सृष्टि एकदम से वापस आएंगी। अरे बाबा जी तो यह बताए हैं कि तुम्हारा उनके सब ब्याह हुआ था ना, तो सगाई नहीं हो पाया था, यही लिए सब समस्या खड़ा हुआ है भाई। अब बिशु बाबू, अब बिना सगाई के शादी थोड़े होता है। हाँ। हमारा तो अपने सगाई 2 दिन चला था, अब आपका सगाई नहीं हुआ सृष्टि जी के साथ, वही चलते ना इतना दिक्कत आ रहा है आपको। अच्छा तो अब हम समझे कि हमरी और सृष्टि जी के बीच में इतनी दूरी कहाँ आ गई थी। हाँ बेटा, बाबा जी बोल रहे थे कि जो सगाई का विधि तब नहीं ना हुआ था वो अब करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा शादी जो है वो पूरा माना जाएगा है, और तभी तो सृष्टि और तुम्हारा बीच का जो दूरी है वो खत्म हो जाएगा। अरे मामा ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। हाँ। चाचा हमने फोन दीजिए। हेलो नफ, फोन कहाँ करोगे अभी? चाचा सृष्टि जी के बिना हमारी सगाई कैसे होगी, आप फोन दीजिए, हम उनको आने के लिए बोल देते हैं। दीजिए ना। बेटा वो सगाई में नहीं आ सकती है। काहे? सृष्टि जी के बिना हमारा सगाई कैसे होगा?
अरे बिशु बाबू, कितना भोले हो तुम भाई। अब सृष्टि जी जो है ना, वो तुमसे हम सबसे बहुत नाराज हैं। तो ये सब बात वो समझ नहीं पाएंगी। पर टेंशन मत लो, हम तुम्हारा सगाई के लिए ना एक तो जुगाड़ कर दिए। हाँ, हम ना एक लड़की को बुलवाए हैं, उसका नाम जो है वो शांति है। उसके माता पिता भी आ रहे हैं। बस तो तुम उसको ना सृष्टि समझ के उसके साथ सगाई कर लो बस। हमारा सगाई किसी और लड़की के साथ होगा, लेकिन ये सब करने से सृष्टि जी वापस आ जाएंगी। हाँ एकदम है, वापस आ जाएगी। तुम है ना बस एक बार वो लड़की से सगाई कर लो, ये कपड़ा वपड़ा लो, तैयार होकर नीचे आ जाओ, हम जैसा कहते हैं ना वैसा ही करो, तो सारा बाधा जो है वो दूर हो जाएगा। है ठीक है माँ, हमें ना सृष्टि जी को वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। और एक दो जुटिया वाली दीदी की है ना, इनकी भी शादी कुकुर से करा देना, इनका भी मंगल दोस्त दूर हो जाएगा। अब तो कोई मंगल दोस्त नहीं है, समझे कि नहीं? हम तैयार हो के आते हैं। सासू मैया तो देवर जी को एकदम ही भरमा दी है। अगर हम उनसे सच बता भी दिए तो वो अभी सुनने समझने की स्थिति में नहीं है। अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तुमने विद्वान जी को आने के लिए कह दिया ना? हमने फोन कर दिया था, बस आते ही होंगे। क्या हुआ सृष्टि, तुम परेशान लग रही हो? नहीं ऐसा नहीं है, बस सुबह रागिनी का फोन आया था, पता नहीं क्या कहना चाहती थी। सृष्टि तुम जानती हो उसको क्या बात करनी है। इन लोगों को कुछ आता वाता नहीं, बस दूसरों को परेशान करती रहती है, और तुम उसके कॉल को इग्नोर करो। सृष्टि मैं एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और वहाँ से आते वक्त मैं तुम्हारे डाइवोर्स के पेपर भी कलेक्ट कर लूँगा। और हाँ, तुम विद्वान जी का सारा काम खत्म कर देना। चलो शेखर, जब तुम विष्णु जी के घर जा रहे थे तो बाबू जी को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? सृष्टि, अगर विद्वान सिंह जी वहाँ रहते तो आज विष्णु की सगाई ना हो पाती, और अगर विष्णु की सगाई ना हो पाती तो हमारा मिलन कैसे होता? सृष्टि, हमने विद्वान जी का केस रीओपन करवाया, तो उनका मजिस्ट्रेट के सामने होना बहुत जरूरी है। मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज ये काम कर देना। देखो सर आ गए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा। सर सृष्टि आपका सारा काम कर देगी, हम थोड़े जल्दी में हैं, हम आपसे बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुश रहो। किसका फोन आ रहा है बार बार? रागिनी बहू का इतना मिस कॉल? जी माँ, हमें वो मैजिस्ट्रेट वाला काम कर लेना चाहिए, वरना वो लंच के लिए उठ जाएगा। ठीक है बेटा, माम चलो चलो चलिए। अरे हाँ हाँ जजमान, बस पहुंच रहा हूँ, यहाँ का काम खत्म हो जाने तो बस आपके यहाँ ही पहुंच रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो? ए पंडित जी, खाली फोन पर बतियाइएगा कि घर आए हैं तो कोनो काम करिएगा। आई देखिए आके अरे तुमको तो तनिको अक्कल नहीं है पंडित जी से कैसे बात करना है। तो काम करने आए तो काम नहीं करेंगे का? फोन पर बतिया रहे इतना देर से। बताइए पंडित जी और क्या चाहिए आपको? है पान मंगवा दीजिए, सुपारी मंगवा दीजिए, थोड़ा सा अक्षत मंगवा दीजिए, हल्दी कुमकुम। मतलब आपको पूजा का पूरा थाल चाहिए? वो तैयार है, हम मंगवा देते हैं। दुलरिया पूजा का थाल भी ले आओ। है अरे भौजी, देखिए भाई नेकी समधन जी आ गई। अरे आइए आइए, है आप ही का इंतजार हो रहा था, देखो सारा तैयारी भी करके रखे हैं। बहन जी अब ना आपका इंतजार खत्म होने वाला है, पंडित जी ना सगाई के साथ साथ शादियों का मुहूर्त तय कर दिए हैं। अरे तो बहुत ही अच्छा बात है बहन जी, दोनों बच्चों का जो भाग है ना वो जुड़ा हुआ है, इसलिए तो ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है। वैसे चौहान साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे भौजी हमारा उनसे ना बात हो गया था, अब कहा है कि आज अच्छा दिन है ना, तो आज का मुहूर्त निकाले थे, अपना एक नया बिजनेस खोल रहे हैं, आ जाएंगे टाइम मिलेगा तो। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छा बात है, वो बिजनेस तो होना ही चाहिए। कहा है कि बैठिए।
आप लोग यहाँ बैठे हैं, दुलरिया इनका खान पान का बंदोबस्त करो। हाँ देखते हैं। हाँ, हम जो है ना वो बिशु को देख कर आते हैं, सबेरे से जो है वो चार सरवानी देख चुका है, एक कोई पसंद नहीं आया है। अभी देख कर आते हैं और लेकर आते हैं। चलिए देवर जी, हम करवाते हैं ना पसंद, आइए। हाँ, हाँ, जाइए जाइए। हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ ना पहुंच जाऊंगा टाइम पे, बस यहाँ का काम खत्म हो जाने दो किसी तरह। जवान जी को भी अभी ये काम सब पड़ा हुआ था। फोन पर लगे हुए अलबत्ता आदमी है, जो उन काम के लिए आए हैं वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। हाँ पंडित जी, आई पहुंचे। अते का सामान देख के बताइए पूरा है कि नहीं। हाँ। सिर्फ तुम्हारा मेहनत से आज इतना सालों के बाद ये केस फिर से खुल पाया है। हम समझ नहीं पा रहे बेटा, कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। हमने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया है बाबूजी, हम बस अपना काम कर रहे हैं। रागिनी बहू का इतना मिस कॉल। सृष्टि बहू, रागिनी बहू का बार बार फोन आ रहा है, हम थोड़ा उससे बात कर लेते हैं। बेटा कहाँ बात हो गया है, फोन काहे नहीं लग रहा है? इसको भी अभी ये खराब होना था। देखो ना बेटा, घंटी नहीं जा रहा इसमें। नहीं, हम देख लेते हैं, ये सब विष्णु जी के बाएं हाथ का काम है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उनका दिमाग बहुत चलता है। सच तो ये है कि उसका ये हुनर भी तुम ही ने पहचाना था, तुम ही उससे दूर। आपका काम हो गया है और बहुत जल्द फाइनल हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं। अरे आप दोनों लोग हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे? सृष्टि, देवर जी ना सोते जागते सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हारा वास्ता देखे देवर जी से कोई भी कुछ भी करा सकता है। अरे हम तो पहले कभी किसी को इतना प्यार करते हुए नहीं देखे। देखो तुम्हारे और हमारे बीच में जो बैर हो, लेकिन सच्चाई यही है कि देवर जी ना उनको तुम्हारा जरूरत है। हम नहीं चाहते कि वो हमसे प्यार करे, हम चाहते हैं कि वो अपने आप पर ध्यान दे। वो हमेशा कमजोर बनकर नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम उनको छोड़ दोगी तो बहुत मजबूत बन जाएंगे? तुम्हें पता है उनके साथ क्या हो रहा है घर पे? अभी उनकी सगाई घर पर शुरू हो रही है। सासू मैं उनकी दूसरी शादी की तैयारी कर रही है। तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम क्या करें, ये उनके घर का मामला है।